दोस्तों मैं सिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एक ओल्ड गाउन में से अनारकली सूट को बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। ये हमारी गाउन है तो पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे बीच में से। हमने इसको कट कर लिया है, अब हम नाप लेंगे और इसकी फोटे हम अलग दूसरे कपड़े में से लगाएंगे, इसलिए हमको नहीं लगानी है। फुल अनारकली सूट की लंबाई 50 इंची है और 50 इंची 14 इंची की हम कोटिंग ऊपर बनाएंगे और 36 इंच का यहाँ पे एक निशान लगा के इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। वहाँ जाकर कोटिंग में रखेंगे सिलने का और इसको निशान लगा के हम 5.5 रखेंगे और मुद्दे हम 6.5 इसको सीधा कर लेंगे। निशान को एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। सीना हमारा 40 है, 40 का चौथा भाग 10 आएगा, 10 पे निशान। कमर हमारी 35 इंच है, 35 का आएगा 8.7 इंची। इस निशान को ऐसे मिला दें। अब हम प्रिंसेस, ये हम दोनों पार्ट एक साथ ही काट रहे हैं पर अभी कट नहीं करेंगे, पहले हम निशान लगाएंगे 2 इंची प्रिंसेस कट के निशान के लिए, चुन्नट के लिए, और 2 इंची मार्जिन के लिए। यहाँ से इसको ऐसे निशान लगा दें सीधा। अभी हम पीछे के पार्ट पर कट करेंगे तो हम 1.5 इंची पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंची से यहाँ पे राउंड शेप दे दें। अब आगे के पार्ट के लिए 1 इंची पे निशान लगाएंगे, थोड़ा सा इसको आधा इंची से पीछे को करके आगे के पार्ट की निशान लगा लें। पहले हम पीछे वाले पार्ट पे कट करेंगे। ये हमारा बिल्कुल बेस कपड़ा है, हमारा कोटी कट गई है। अब हम एक पार्ट को निकाल लेंगे पीछे वाले को। पीछे वाले पार्ट में हम थोड़ी सी कम कर देंगे कपड़े को। अब हम ये हमारा बैक पार्ट है पीछे वाला। अब हम यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम करेंगे 8.7 का कमर का निशान लगा के, 1 इंची चुन्नट का और 2 इंची मार्जिन का। अब इतना कपड़ा हम इसमें से कट कर देंगे। हमारा पीछे का पार्ट है। अब हम आगे के पार्ट में प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे, ठीक है। गले की चौड़ाई हम 3.5 इंची रखेंगे, लंबाई 6 इंची। राउंड नेक बना लेंगे इस पर। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई हमको लेनी है 3.5 इंची और लंबाई टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 11 का। ये निशान हाइट के अकॉर्डिंग लगता है। अब प्रिंसेस कट का 2 इंची चौड़ाई में और 2 इंची लंबाई में ऐसे निशान लगाएं। अब इस निशान को ऐसे मिलाना है मुड्डे तक। अभी हमने यहाँ की गहराई नहीं दी है मुड्डे की,
बाद में जब हम प्रिंसेस कट का पार्ट लगाएंगे तब हम लगाई देंगे ऐसे ऐसे। हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा इधर, अब यहाँ से हल्के हाथ से ऐसे शेप दे दें प्रिंसेस कट की। ये हमने प्रिंसेस कट की शेप दे दी है। अब हल्का सा आधा इंच यहाँ से बुलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा कट गया है। अब हम इसको मेन कपड़े पे काट लेंगे। ये हमारा मेन कपड़ा है, इसको हम काट लेंगे। ये हमारा कट गई है कोटी। प्रिंसेस कट का हमने मेन कपड़े पे भी कट कर लिया है। अब हम इसकी पुरानी कोटी में से इसकी बाजू निकालेंगे, वो हम लगाएंगे इसमें। ये इसकी पुरानी कोटी है, इसकी बाजू को हम पहले निकाल लेते हैं। ये हमने पुरानी कोटी में से बाजू निकाल ली है। ये दोनों बाजू को हम थोड़ा छोटा करेंगे, इतनी बड़ी बाजू हम नहीं लगाएंगे। इसका डिज़ाइन बना देंगे, आगे पट्टी लगा देंगे। इसको पहले बराबर करके सेट कर लें, हमें जितनी चाहिए हम उतने पर निशान लगा के कट कर देंगे। एक निशान हम यहाँ लगाएंगे, बाजू हमें चाहिए 6.5 पे निशान लगा रहे हैं हम, क्योंकि 1 इंच हमको सिलाई में आ जाएगा और बाकी का हम सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ से 3 इंची पे ऐसे डाउन करेंगे, ऐसे बाजू का सेप दे देंगे। ये हमारी बाजू कट गई है, इसकी गहराई हम बाद में देंगे, पहले इसकी पट्टी लगा लेंगे। इस पर हमारी गाउन की कटिंग हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसकी सिलाई करेंगे गाउन की। पहले हम इसकी कमर को, कमर के अकॉर्डिंग करेंगे इसके घेर को। ये जो कलियां है ना, इस पे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो ऐसे इस कलियों को यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ तक इतना 10 या 12 इंची रख के इतना इतना सिल लें। तो ये हमने दोनों पार्ट पे कलियों पे सिलाई लगा ली है दोनों पे। अब हम इसमें इसका अस्तर लगाएंगे। अस्तर पे भी एक आध ऐसी हल्की हल्की चुनर डाल ली है। ये हमारा अस्तर है, इसका गाउन में से निकला था हमारा ये अस्तर। इसमें हल्की हल्की चुनर डालनी है हमें, घेर के बराबर करना है। घेर हमारा 20 इंची है एक तरफ का, हमको ये 20 इंची ही रखना है। ये हमने ऐसे ही अस्तर को इसके बराबर, इस पर हमको चुनर नहीं डालनी, इसकी कलियों पर सिलाई मार मार के इसको कम करना है। और अस्तर पर हम ऐसे चुनर डाल सकते हैं और इसको इस पे ऐसे लगा देंगे मशीन से। ये हमने लगा लिया, इसका जॉइंट कर लिया है। अब ऐसे ही हम दूसरा वाला पार्ट कर लेंगे। हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं ऐसे ही। इस तरफ भी हमने अस्तर लगा लिया और इस तरफ भी। अब हम इसकी कोटी तैयार करेंगे। पहले कोटी पे अस्तर लगाएंगे, पहले हम कोटी पे अस्तर लगा लेंगे, पूरे पे जॉइंट कर लेंगे। ये हमने इसको कच्चा कर लिया है, अस्तर को जॉइंट कर लिया है मेन कपड़े पे। तो अब हम इसका गला बनाएंगे। गला पहले कट करेंगे। गले की चौड़ाई हम 3.5 इंची रखेंगे, लंबाई हम 6 इंची रखेंगे गले की। ये थोड़ा चौड़ा गला है, इस वजह से लंबाई कम ही रखनी है। गले को हमने कट कर लिया, अब हम इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये हमने गले के लिए और भी पट्टी कट ली है, काट ली है। इसको ऐसे जॉइंट करके गले पे लगाएंगे। इसको उल्टी साइड रख के डबल करके सिलाई लगाएं, फिर इसे सीधी साइड पलट के लेस लगाएंगे। फिर हम इस पर पहले इसको ऐसे एक पॉइंट की सिलाई लगा दें, लगा लें। हमने पट्टी लगा ली, अब छोटे छोटे कट लगाने हैं, सिलाई बिल्कुल ना कटे, बस छोटे छोटे कट लगाने हैं बस गुलाई पे। इससे ही अच्छा अच्छे से पलट जाएगा। अब इसको सीधे तरफ रख के ये वाली लेस हम लगाएंगे गले पे। ऐसे रखते हुए इसको ऐसे पलटना है, ऐसे
इसको ऐसे मेरे गले को ऐसे बना देना है। हमारा गला बन गया है। अब हम इस पर प्रिंसेस कट का पार्ट लगाएंगे। प्रिंसेस कट का पार्ट हमेशा नीचे की तरफ से लगाएं, बिल्कुल यहाँ से मिला के। अच्छे से सिलाई करें, गुलाई करके से गुलाई दें। सिलाई को डबल कर लें। अब ऐसे ही हम दूसरा वाला लगा लेंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट लग गया है। ये हमारा दोनों तरफ का प्रिंसेस कट का पार्ट लग गया है। अब हम पीछे पार्ट का तैयार करेंगे। गला वाला काट के प्रिंसेस कट के पार्ट में हमने जो आर्म होल की गुलाई नहीं दी थी, अब देंगे। प्रिंसेस कट के पार्ट को लगाने के बाद देंगे। आधे इंची की बस गुलाई देनी है और इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया, अब हम इसको सिल लेंगे। ये हमने सिल लिया है। ये हमारा प्रिंसेस कट का आगे का पार्ट हो गया है तैयार। अब पीछे का, ये हमारा पीछे का पार्ट है। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3.2 इंची और लंबाई 7 इंची। में हम वी शेप का गला बनाएंगे। हम यहाँ पे पीछे चुनर डालेंगे 4.5 इंची की लंबाई और 4.5 इंची लंबाई में। पीछे भी निशान लगा लेंगे। अब इसको कच्चा कर लेंगे। इसकी चुन्नट डाल लें। चुन्नट हमने डाल दिया। दूसरी चुन्नट भी ऐसी डाल लें। गले पे भी हम और भी पट्टी लगाएंगे। इसको हम डबल करके नहीं, सिंगल पे ही लगाएंगे। डबल हम बाद में करेंगे। ये हमने पट्टी लगा ली है। अब बीच में इसके कट लगाना है, सिलाई ना कटे, और इसकी गोलाई में छोटे छोटे कट लगाने हैं, सिलाई ना कटे। अब इसको इस तरफ एक बार फोल्ड कर लें। फोल्ड करके पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमने पट्टी लगा ली है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसको हम बाद में फोल्ड करेंगे। पहले हम इस वाले पार्ट पे ढेर लगाएंगे। इसका एक बीच में पहले सेंटर बना लें। सेंटर पे कट लगा लें छोटा सा। ये हमारा कट लग गया है। अब इसका भी एक बीच का सेंटर बना लें और इस पर भी कट लगा लें। इसको पहले सही से बराबर कर लें। ये हमने बीच में सेंटर लगा लिया है। इस कपड़े को इस कपड़े को ढेर को सीधा रखें, कपड़े को उल्टा रखें, सेंटर से सेंटर मिला के देख लें। ये हमारा कपड़ा बराबर है। ये कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको यहीं से सिलाई लगा लेंगे। सेंटर पे एक पिन लगा लेंगे पहले। ये हमारा ढेर लग गया है सामने वाले पार्ट में। अब हम ऐसे पीछे वाले पार्ट में भी लगाएंगे। पीछे का भी हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसको उल्टा करके इसके कंधे जोड़ेंगे। तो अब हम इसके कंधे जोड़ रहे हैं। जो गले की पीछे वाली पट्टी को बाहर रख के इसका कंधा जोड़ना है। डबल सिलाई कर लें, ऐसे दूसरा जोड़ेंगे। ये हमने दोनों कंधे जोड़ लिए। अब इस पट्टी को ऐसे करके इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देना। हमारे कंधे बहुत सुंदर तरीके से फोल्ड हो जाएंगे। अब इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, फिर बाद में इसे तुरपाई होगी। अब हम इसको यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे। 40 इंच हमारे सीना है तो 10 पे निशान लगाएंगे। 35 हमारी कमर है तो यहाँ पे 8.7 का निशान लगाएंगे। अब इसको
ऐसे सिल लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सिलाई ना ध्यान से मारनी है, घेर पे ऐसे पकड़ के, क्योंकि हमें यहाँ पे आधी सिलाई मारनी है। तो ऐसे लेके हमें यहाँ तक सिलाई मारनी है ऐसे, बस बाकी का नीचे तो सिला हुआ है। और यहाँ से ऐसे ही दूसरी तरफ सिलाई मार लेंगे। कमर हमारी 34 इंच है, तो 17.5 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। सीना हमारा 40 इंच है, तो 20 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब इस निशान को ऐसे निकालेंगे, अब इस पे सिलाई करेंगे। हमने दोनों तरफ अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है, अब हम इसकी बाजू लगाएंगे। अब हम पीछे गले के लिए एक फ्लावर बनाएंगे, वो बहुत आसान तरीके से। किनारे को अच्छी तरफ अच्छे से निकाल लें। इसका सेंटर बना लें, सेंटर बना के ऐसे बीच में इसकी सिलाई लगानी है। ये हमारा बो बन गया है, अब हम इसके बीच में एक पट्टी लगाएंगे। बीच में लगाने के लिए पट्टी बना रहे हैं। ऐसे लगाएंगे, इसको पीछे से ऐसे कस के पकड़ के इसको यहाँ से सिल दें। इसको कट कर देंगे। ये हमारा बो फ्लावर बनके तैयार हो गया। अब हम इसके गले पे लगाएंगे पीछे। ये हमारा वो ऐसे यहाँ पे लगेगा, सुई से इसे सिल लें। ये हमने वो फ्लावर लगा लिया पीछे नेक पे। अब हम इसकी बाजू लगाएंगे। हमने बाजुओं पे ऐसे बॉर्डर लगा लिया है अपनी गाउन का। अब इसकी थोड़ी सी गहराई देंगे बाजू की, आगे की तरफ गहराई देते हैं, हल्की सी गहराई देनी है। गहराई हमने दे दिया, ये हमारा पीछे का पार्ट है, इस पर ऐसे सॉरी आगे का पार्ट है, इस पर निशान लगा लें। ये हमारा आगे ही आएगा। अब हम उसमें गाउन में बाजू लगाएंगे। बाजू की गुलाई गुलाई है 6 इंची। इसका ये आर्मोल उठा के ऐसे नाप लें कितना आ रहा है हमारा, वहाँ पे निशान लगा के सिल दें ऐसे। बाजू इसमें लगा रहे हैं, ये हमारी बाजू लग गई है। ऐसे ही हम दूसरी बाजू लगा लेंगे। ये हमारी दूसरी बाजू भी लग गई है। हमारा गाउन में से अनारकली सूट बन के रेडी हो गया है। ये हमारा गाउन में से अनारकली सूट बन के रेडी हो गया है। ये हमारा अनारकली सूट बन के रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट में, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।